गुड मॉर्निंग. एज यू नो दैट वी हैव कम्प्लीटेड चैप्टर वन ऑफ योर बुक, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर टू ऑफ योर बुक, दैट इज अबाउट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. ओके, सो वट आर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स? लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स बोथ आर इमेजिनरी लाइन्स दैट इज ड्रॉन ऑन ग्लोब एंड मैप्स. ठीक है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स ऐसी इमेजिनरी लाइन्स हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उन्हें ड्रॉ किया जाता है मैप्स पे एंड ग्लोब्स पे. इस चैप्टर में आप रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट लोकेशंस के बारे में देखेंगे, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में और ग्रिड के बारे में देखेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. एज यू कैन सी इन द पिक्चर देयर इज अ बॉय नेम्ड अंकित. अंकित इज वेरी हैप्पी. हिज अंकल हु लिव्स इन कैनेडा इज कमिंग टू विजिट हिम इन इंडिया. अंकित जो बहुत ज़्यादा खुश है, क्यों? क्योंकि उसके अंकल जो कैनेडा में रहते थे वो वापस आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए. When are you coming to Delhi, uncle? It will be so much fun to have you with us. उसने कहा, उसने अपने अंकल से पूछा कि आप कब आ रहे हैं दिल्ली, आपके साथ रहना बहुत मज़ा आएगा. ठीक है, It will be soon, dear. उन्होंने रिप्लाई किया, बहुत जल्दी. First, I'll have to go to Frankfurt and then to Istanbul for some work. पहले उन्हें फ्रैंकफर्ट जाना है और इस्तानबुल जाना है, ऐसा उन्होंने बताया. तो वो सोचता है, माई अंकल इज ऑलवेज ट्रैवलिंग टू दिस अमेजिंग प्लेसेस, कि मेरे अंकल जो हैं वो इतने अच्छी अच्छी जगहों पर जाते हैं. लेट मी चेक द ग्लोब एंड फाइंड द लोकेशन. तो वो ग्लोब लेकर के आता है और लोकेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है. देन अंकित गोज टू स्लीप फीलिंग हैप्पी. जो अंकित है वो खुशी खुशी सोने चला जाता है. एंड दैट नाइट ही हैड अ ब्यूटिफुल ड्रीम. उसने बहुत सुंदर सपना देखा, इन विच ही इज गोइंग ऑन एन एडवेंचर ट्रिप टू ब्यूटिफुल प्लेसेस जस्ट लाइक हिज अंकल. ओके, फॉर हिज गाइडेंस ही हैड अ मैप विद हिम. उसने गाइडेंस के लिए उसके पास एक मैप है और उसने ये सपना देखा कि वो अपने अंकल की ही तरह एडवेंचरस ट्रिप्स पे जा रहा है. ओके, सो वी शैल लर्न अबाउट लोकेशन इन दिस. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लोकेशन, रिलेटिव लोकेशन, एब्सोल्यूट लोकेशंस एंड हाउ विल बी एबल टू लोकेट प्लेसेस ऑन अर्थ यूजिंग लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. ठीक है, तो व्हाट इज अ लोकेशन? अ लोकेशन इज अ प्लेस वेयर समथिंग हैपेंस और एग्जिस्ट. लोकेशन एक ऐसी चीज है जहां पर कोई चीज होती है. ठीक है, अगर मैं बात करूं कि आप कहां हैं, तो जहां पर भी आप हैं तो वो आपकी लोकेशन होगी. ठीक है, लोकेशन जो है वो दो तरीके की होती है, एक होती है रिलेटिव एंड द सेकेंड वन इज एब्सोल्यूट. व्हाट इज रिलेटिव लोकेशन? रिलेटिव लोकेशन वो लोकेशन होती है अगर आप किसी लोकेशन की, जैसे देखिए, अगर आप किसी लोकेशन को बताने के लिए किसी और चीज़ की लोकेशन बता रहे हैं, जैसे अगर आपको आपका घर नहीं पता या आपने फ्रेंड के घर पे आपको जाना है एंड फ्रेंड जो है वो आपको गाइड कर रहा है कि पार्क के पास वाली गली में मेरा घर है, तो जो फ्रेंड है आपका वो पार्क के रिलेशन में अपना घर बता रहा है. तो किसी भी ऐसी चीज़ की हेल्प लेकर के बता रहा है, तो ऐसी चीज़ को, ऐसी लोकेशन को रिलेटिव लोकेशन कहते हैं. ठीक है, जिसमें किसी दूसरी चीज़ के रिस्पेक्ट में हम पहली चीज़ की लोकेशन को बताते हैं. ओके, इसमें मेनली लैंडमार्क्स का यूज़ करते हैं या फिर डायरेक्शंस का रिलेटिव लोकेशंस को देने के लिए. लेकिन अगर हम बात करते हैं एब्सोल्यूट लोकेशन की, तो एब्सोल्यूट लोकेशन हमें एग्जैक्टली वो पोजीशन बताता है जहां पर वो चीज़ है. अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपका घर कहाँ है, तो आप मुझे क्या बताएंगे कि मेरा घर इस गली में है, मेरे घर का नंबर ये है, तो दैट विल बी मोर ईजी टू फाइंड ना. तो ऐसी चीज़ें जो किसी और लोकेशन पर डिपेंडेंट नहीं होती, वो किसी भी अदर लोकेशन से इंडिपेंडेंट होती है और वो एग्जैक्ट पोजीशन बताती है, वो एब्सोल्यूट लोकेशन होती है. ठीक है, बात करते हैं लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ. अब हम प्लेस जो है अर्थ पे कैसे लोकेट करेंगे? जैसा मैंने आपको बताया था, जो ग्लोब है वो मैन मेड मॉडल ऑफ अर्थ है, लेकिन वो एग्जैक्टली अर्थ की तरह ही है. तो जो ग्लोब है, ये ग्लोब है, ये जो है अपनी एक्सिस पे घूमने के लिए इसके अंदर एक एक्सल लगा होता है. यू कैन सी हेयर,
हेयर दिस वन दिस इज द थिंग दैट इज नोन एज एक्सेल. ठीक है. एंड जो नॉर्थ पार्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट है उसे नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट है उसे साउथ पोल कहते हैं. सिमिलरली अर्थ में भी ऐसा ही है. ठीक है. तो अर्थ में जो ये लाइंस हैं वो नहीं हैं. हमने ग्लोब में या मैप में लोकेशंस को फाइंड करने के लिए ये इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करी हैं. ठीक है. ऐसी लाइंस जो अर्थ के बीचों बीच, ग्लोब पे अर्थ के बीचों बीच ड्रॉ होती है, इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर. और ऐसा कहा जाता है जो इक्वेटर है वो अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है. जो नॉर्थ के पास है उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और जो साउथ के पास है उसे साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. ठीक है. अ ग्लोब हैज एन एक्सल दैट हेल्प अस इट टू स्पिन. जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लोब के ऊपर एक एक्सल होता है जिसकी हेल्प से वो स्पिन करता है या घूमता है. स्पिन्स ऑन एन इमेजिनरी लाइन्स, द अर्थ ऑल्सो स्पिन्स ऑन एन इमेजिनरी लाइन्स. अर्थ के पास एक्चुअल में कोई लाइन नहीं है या कोई एक्सल नहीं है, उसकी जो एक्सल है वो इमेजिनरी है. दैट इज नोन एज एक्सिस ऑफ अर्थ. ठीक है. द पॉइंट एट द टॉप इज कॉल्ड नॉर्थ पोल. जो ऊपर वाला पॉइंट है उसे नॉर्थ पोल कहते हैं. एंड द पॉइंट एट द बॉटम इज नोन एज साउथ पोल. और जो नीचे वाला बॉटम का जो पार्ट है उसे साउथ पोल कहते हैं. ठीक है. द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इंटू टू इक्वल हाफ्स नोन एज हेमिस्फीयर्स. जो अर्थ का इक्वेटर है वो अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, जिसे हम हेमिस्फीयर्स के नाम से जानते हैं. जो नॉर्थ वाला है, नॉर्थ के साइड वाला, उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो साउथ के साइड है उसे साउदर्न हेमिस्फीयर के नाम से हम जानते हैं. ओके. अ ग्लोब और अ मैप हैज अ नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन ऑन इट. ग्लोब और मैप पे बहुत सारी लाइंस को ड्रॉ किया जाता है. इन रियालिटी देयर इज नो लाइंस ऑन द अर्थ सर्फेस. रियालिटी में या असलियत में ऐसी कोई लाइन नहीं है अर्थ पे. दीज आर इमेजिनरी, ये काल्पनिक हैं, लेकिन ये लोकेशन फाइंड आउट करने में हेल्प करती हैं. ठीक है. वो भी लोकेशन जो कि एब्सोल्यूट, जो एग्जैक्ट पोजिशन बता सके, ऐसी लोकेशंस को फाइंड आउट करने के लिए ये लाइंस हेल्प करती हैं. ठीक है. सो नाउ व्हाट इज लैटिट्यूड. लैटिट्यूड्स क्या होते हैं. अभी मैंने बताया आपको कि हम इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ करते हैं मैप्स पे और ग्लोब पे टू फाइंड एब्सोल्यूट लोकेशन. ठीक है. तो ऐसी लाइंस जो ईस्ट से वेस्ट की साइड जाए, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ऐसी लाइंस जो ईस्ट से वेस्ट की साइड जाए, ये लाइन इधर से शुरू हो रही है, तो ऐसी लाइन जो पैरेलल लाइंस होती हैं ये कहलाती हैं लैटिट्यूड्स की. ठीक है. और जो इक्वेटर की जो लैटिट्यूड्स हैं, ये जो लाइंस हैं, इनको डिग्री में कन्वर्ट किया जाता है, डिग्री में डिफाइन किया जाता है. और जो इक्वेटर का मानते हैं हम, वो ज़ीरो डिग्री मानते हैं. जैसे जैसे हम नॉर्थ की साइड बढ़ेंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे ऐसे डिग्रीज बढ़ती जाती हैं. ठीक है. तो ये हमारे डिग्रीज होते हैं और लैटिट्यूड्स कहलाते हैं. द इमेजिनरी लाइंस इन ईच हेमिस्फीयर ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर अप टू द पोल्स. और ये जो लाइंस है ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ये पोल्स तक जाती हैं. एंड दीज आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. इन्हें पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं. ओके. दे रन इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. मैंने अभी बताया था आपको ये ईस्ट से वेस्ट की साइड जाते हैं. लैटिट्यूड्स जो है वो डिग्री में मेजर होते हैं, जैसा अभी आपको बताया था. द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मेजरिंग द डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज द इक्वेटर. अब जब भी हम लैटिट्यूड्स को मेजर करना शुरू करते हैं तो हम हमेशा इक्वेटर से शुरू करते हैं. द वैल्यू ऑफ ऑल अदर लैटिट्यूड्स इज फॉलोड बाय द लेटर एन फॉर नॉर्दर्न एंड एस फॉर साउदर्न. जैसे ही हम ऊपर जाने लगते हैं, मतलब ये हमारी लैटिट्यूड्स हो गई जो इक्वेटर की लाइन है, ये पूरे ऊपर तक जा रही है नॉर्थ पोल तक. तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे, नॉर्थ की साइड जाएंगे, तो यहाँ पे नॉर्थ एन लेटर से डिनोट करेंगे. दैट मीन्स ये हम नॉर्थ की साइड जा रहे हैं. लेकिन जैसे हम साउथ की साइड जाएंगे तो हम साउथ एस से डिनोट करने लगेंगे. ओके. मैंने आपको ये बता दिया था कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे एक एक डिग्री ऊपर बढ़ने लग जाते हैं. ठीक है. नॉर्थ की साइड जाएंगे तो एन लेटर लिखा जाएगा, और अगर हम साउथ की साइड जाते हैं तो एस लेटर लिखा जाता है.
जो इक्वेटर है दैट इज नोन एज ग्रेट सर्कल. इक्वेटर को हम ग्रेट सर्कल के नाम से जानते हैं और ये सबसे ज्यादा लंबा लैटिट्यूड होता है. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स. इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स कुछ ऐसे इंपॉर्टेंस हैं, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो लैटिट्यूड्स ये देखिए इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये हमारा इक्वेटर है. इससे 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है वो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है. देखिए एन जो है दैट डिनोट्स नॉर्दर्न साइड में, ठीक है, और 23.5 डिग्री साउथ की साइड जब आएंगे तो वो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो जाता है. हम इसी तरीके से और आगे बढ़ते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ में तो वो आर्कटिक सर्कल बन जाता है, और अगर हम साउथ की साइड बढ़ते हैं तो वो अंटार्कटिक सर्कल बन जाता है. ओके, आज की वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट टॉपिक्स हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे. ओके स्टूडेंट्स.